हाय, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि आप प्रोग्रामिंग को आखिर कैसे सीखें। तो देखिए सबसे पहले टेक इट ईजी, मतलब आपने बहुत सुना होगा लोगों से कि हार्ड है ये, डिफिकल्ट है वो, डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं देन तो फिर आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। गो थ्रू दी कंसेप्ट्स मोर देन ट्वाइस, मतलब चीज़ों को आप एक से ज़्यादा बार पढ़िए। एक बार में वो समझ में नहीं आती हैं और आप ये मत सोचिए कि हाँ हाँ मेरे को तो समझ में आ गई, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। आप जितना ज़्यादा ये करेंगे आप उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखने से खुद को दूर करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपको कंसेप्ट आते हैं लेकिन एक्चुअल में आपको वो नहीं आते हैं। तो इट इज़ मच बेटर कि आप आज की डेट में जब आप सीख रहे हैं तो आप इन सारे कंसेप्ट्स पे अच्छा कमांड बना लें, रादर देन कि उनको सुपरफिशियली करें और फिर बाद में जाके जो है आप रिग्रेट करें कि उस समय पे हमने इसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। तो कंसेप्ट चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन आपको पता अच्छे से होना चाहिए, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ में आगे वाले टॉपिक पे मत जाइए जब तक कि आपको पुराने सारे टॉपिक्स नहीं समझ में आ गए। और अगर आप नए हैं प्रोग्रामिंग में, बेसिकली ये सारी चीज़ें नए लोगों के लिए ही है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप साइकिल चलाना ऐसे नहीं सीख सकते हैं कि आपने 100 लोगों को साइकिल चलाते देखा और अब आपको लगता है कि हाँ मेरे को साइकिल चलाना आ गया। आप चाहे 100 लोगों को साइकिल चलाते देख लीजिए, आप चाहे 100 लोगों को साइकिल सीखते देख लीजिए, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। आपको साइकिल चलाना अगर खुद को सीखना है तो आपको खुद साइकिल लेके उसको चलाना पड़ेगा। सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ प्रोग्रामिंग के साथ है। आप किसी दूसरे के लिखे हुए प्रोग्राम 100 देख लीजिए, 1000 देख लीजिए, आप किसी किताब को पूरा चार्ट डालिए, आप दिन में 8 घंटे किताब लेके बैठे रहिए जिसमें आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सब बेकार है। ये सब अकेला ये सब बेकार है। अगर आप 30 मिनट प्रोग्रामिंग करते हैं वर्सेस अगर आप 8 घंटे सिर्फ किताब लेके पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। तो वो जो शुरुआत में एक जो किसी नई चीज़ को करने से पहले वो जो थोड़ा सा एक डर सा होता है ना, आप उसको बाहर निकालिए और आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप सर्टेनली काफ़ी अच्छा जो है कर पाएंगे। एंड स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल प्रोग्रामिंग। 30 मिनट देखिए हमने कहा, लेकिन आप आराम से जो है दिन में 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप शुरुआत के 10 दिन ऐसा कर लेंगे तो फिर आपको प्रोग्रामिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर तो आप सही पाथ पे जा रहे हैं। एकदम इसको आमने सामने की लड़ाई रखिए, देखिए कि बस सीखना ही है, कोई भी हमको बाधा आए, हमको कोई भी प्रॉब्लम आए, हमको उसको पार करके आगे निकलना है। ये बहुत ज़रूरी माइंडसेट है अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए नॉलेज ऑफ कंसेप्ट तो चाहिए ही होगा जो हम इस कोर्स में भी कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। आपको इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जो है जरूरत पड़ेगी, इस केस में वो अपने पाइथन है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको सिर्फ पाइथन आएगी, आप काफी कुछ कंसेप्ट जो है जावा, सी, सी प्लस प्लस इनके भी सीख जाएंगे, आप उनमें भी काफी कुछ प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने पाइथन पढ़ी तो आपने सिर्फ पाइथन पढ़ी है। प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बिना कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। आप ये देखिए जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप वैक्यूम में नहीं लिखते हैं, मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम लिखने को कहा जाएगा, आपको कुछ भी प्रोग्राम लिखने को कहा जाएगा। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने ये कंसेप्ट्स लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको उसको लॉजिकली उसका आंसर खोजना पड़ेगा। एक बार जब आपको लगता है कि हाँ आप प्रॉब्लम समझ गए हैं, आप उसके सॉल्यूशन को आप ढंग से जानते हैं, उस केस में आप जो है प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको बस कहा गया कि एक प्रोग्राम लिखो जो ये काम करता है एंड देन आप फटाफट से कीबोर्ड पे और लिखना शुरू हो गए जो भी आपने टाइप करना है। ये बहुत ही इनएफिशिएंट अप्रोच है, बहुत ही बेकार अप्रोच है। आपको पहले पेन पेपर पे प्रॉब्लम स्टडी करो, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे करनी है, और जो आपने कंसेप्ट सीखे हैं प्रोग्रामिंग के उनसे वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है।